हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आज देखो, आज एक फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये यस सर, इसका हमको निकालना है एरिया, ठीक है? ये जो पूरा जो एक फिगर है, क्या फिगर है ये? आयत, ठीक है? क्या है ये? आयत। और इसके अंदर हमने एक ब्लू कलर का ये क्या बना रखा? ट्रायंगल। और एक रेड कलर का ट्रायंगल। अब आप मुझे, आप सिर्फ अंदाजे से बताना है कि एक ट्रायंगल जो ये है और एक जो ये दूसरा ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया बराबर है या नहीं है, सिर्फ देख के बताना है। बराबर। कितने बच्चे बोल रहे हैं बराबर है, और कितने बच्चे बोल रहे हैं बराबर नहीं है? ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बराबर नहीं है और कुछ बच्चे बोल रहे हैं बराबर है, ठीक है? तो हम एक एक करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। अभी हमने जो आपको जो तरीका बताया, वो कौन सा तरीका बताया था? हम क्या करते हैं इसमें, गिनते हैं ना, जो इनके अंदर जो डब्बे हैं। तो अगर हम इसको ले लें, जो ब्लू वाला है, उस रेड वाले को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसके सारे बॉक्सेस को गिन लें तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसका कितना एरिया है इस ट्रायंगल का, ठीक है? अब देखो, उससे आसान हमारे पास यहाँ पर क्या लग रहा है हमको, हम क्या कर सकते हैं? अब पहले इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया कितना है? टोटल इस रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का कितना है? 20। क्या? वर्ग सेंटीमीटर। 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है? अब जो ये ट्रायंगल है, इस रेक्टेंगल का कितना है ये ट्रायंगल? इस रेक्टेंगल ठीक ठीक आधा है ना? यस। मतलब इतना ही ट्रायंगल हम इधर की तरफ भी बना सकते हैं, है ना? मतलब जो ये ट्रायंगल इधर बनाया है, तो अगर हम इधर की तरफ भी ये लाइंस अगर ब्लू वाली बढ़ा दें, तो ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, दो ट्रायंगल बन जाएंगे। तो इसका मतलब अगर फुल रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हाफ का कितना होगा? हाफ का 10, ठीक है? कौन सा वाला ट्रायंगल है ये? ब्लू। कितना हो गया इसका? 10 स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की, ठीक है? अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो इसका आधा तो लग नहीं रहा, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो इसका मतलब जो इनका एरिया अलग होना चाहिए, कैलकुलेट करके देखें। अब देखो, ये जो सेम ट्रायंगल है, ये सेम ट्रायंगल हमने इसके दूसरे साइड से बना रखा है, यही है वो ट्रायंगल, ठीक है? क्लियर है? तो अब हम इसके अंदर के बॉक्सेस गिन के भी पता कर सकते हैं, एक तरीका हमारे पास ये है। अब हमारे पास एक तरीका और है एग्जैक्ट पता करने के लिए, बताऊँ क्या है वो तरीका? अब देखो, ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया वही है 20, उधर से भी 20 था, इधर से भी 20 ही रहेगा। अब हम क्या कर देते हैं, जो ये लाइन जहाँ पर मिल रही है लाइन, इस लाइन से हम क्या कर देते हैं, इस रेक्टेंगल को क्या कर लेते हैं, मोड़ देते हैं, ठीक हो गया? हो गया। अब जो ये बीचों बीचों लाइन खींची है हमने, अब जो ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल के एरिया बताओ, इसका जो अब नया वाला बनाया, ये तो 6 बताओ, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये लाइन भी बिल्कुल ठीक इसकी आधी है, यस सर। तो इसका मतलब ये है ना, ये इतना पोर्शन, ये तो इस ट्रायंगल का पोर्शन है, इससे का इसका कितना हो जाएगा, इसका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब पूरा खोलें इसे, खोल दिया पूरा, ठीक है? अब देखो, अब इस वाले पोर्शन का देखो, ये भी अब इस वाले पोर्शन का कितना है? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर तो दूसरा रेक्टेंगल है, उसका कितना आया? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर इस आधे की बात करते हैं, कितना हो गया इस आधे का? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब पूरा खोल लो, इसी रेक्टेंगल का निकालना था हमने, yes, sir. तो कितना हो गया? 6 + 4 कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब जो रेड वाला ट्रायंगल है, उसका भी कितना आया? 10 स्क्वायर। क्लियर है? ठीक yes, है, मतलब बॉक्सेस गिनने के अलावा भी हमारे पास और तरीके भी हैं इसको कैलकुलेट करने के, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जो बुद्धि है, आपका जो माइंड है, आपका माइंड कहाँ कहाँ तक सोच सकता है। जितना आप सोच पाओगे, उतना ज़्यादा आपके पास क्या होते रहेंगे, ऑप्शंस बढ़ते रहेंगे उसको कैलकुलेट करने के, ठीक है? यस सर।